हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर क्लास सेवन्थ मैथ चैप्टर वन इंटीजर्स पार्ट थ्री। मैंने पार्ट टू एंड पार्ट वन प्लेलिस्ट सेक्शन में प्राप्त करवा दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। आवर चैनल इज वी विल सक्सीड एंड माय नेम इज आदित्य शर्मा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर फाइव नेगेटिव इंटीजर्स। हम पाँच नेगेटिव इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पांच नेगेटिव नंबर, ओके, कोई से भी, माइनस के टू, माइनस के टू, माइनस टू, माइनस टू एंड माइनस टू। ओके, ये मैंने पांच नंबर्स ले लिए हैं। ओके, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ओके, अब चलिए करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल एंड माइनस से माइनस कैंसिल। तो लास्ट में जो बचा वो माइनस का टू बचा, यानी कि लास्ट में जो साइन बचा वो माइनस बचा। तो आपको तो पता ही है, अगर ये सब प्लस हो गए, प्लस माइनस होगा हमारा माइनस। ओके, तो साइन किसका आएगा? माइनस, यानी नेगेटिव का। सो द आंसर इज बी, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 22 इज माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू। ओके, तो चलिए इसे करते हैं। टू और थ्री का करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और टू थ्री ज़ा सिक्स। ओके, सो माइनस सिक्स, माइनस फोर मल्टीप्लाई सिक्स। ओके, एंड माइनस का साइन ही आएगा, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, माइनस एंड सिक्स फोर जो 24, यानी माइनस 24 हमारा आंसर होगा, जो डी ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इज एट और ए इक्वल्स टू टू, बी इक्वल्स टू टेन एंड सी इक्वल्स टू सिक्स, देन ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू। तो चलिए करते हैं। ए की जगह हमें रखना है दो को, बी की जगह दस को और सी की जगह छः को। तो चलिए करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। ओके, ए है टू मल्टीप्लाई बी टेन माइनस टू मल्टीप्लाई सिक्स। ओके, ट्वेंटी एंड माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व। ओके, एंड ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व होंगे हमारे एट। सो द आंसर इज एट, एट है हमारा डी ऑप्शन, जो कि डी ऑप्शन ही सही होगा। ए प्लस जीरो इक्वल्स टू, ओके, ए प्लस जीरो क्या होगा? सो द ए जीरो, ए प्लस जीरो जीरो ही होगा। सक्सेसर ऑफ इलेवन, इलेवन का सक्सेसर, यानी कि सक्सेसर मतलब आप प्लस वन समझ लीजिए और प्रेडिसेसर मतलब माइनस का वन समझ लीजिए। ओके, तो सक्सेसर में प्लस का वन, यानी इलेवन प्लस वन होगा हमारा ट्वेल्व। ओके, तो ट्वेल्व भी हमारा आंसर होगा, डी है ट्वेल्व, वही हमारा सही होगा। फाइंड द सक्सेसर ऑफ माइनस सिक्सटीन, तो मैंने बताया माइनस सिक्सटीन एंड सक्सेसर मैंने क्या कहा? प्लस वन, तो प्लस वन यहाँ पे करा हमने, तो प्लस माइनस होंगे हमारे माइनस। सो द 16 माइनस वन होगा हमारा 15। ओके, तो 16 माइनस का है जो कि बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर आएगा माइनस 15। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि माइनस का 16, मान लीजिए मैंने किसी दुकानदार को 16 रुपए उधार दिए हैं और एक रुपए जो हैं मैंने उसे उधार दिए हैं और एक रुपए का मैंने उससे सामान खरीदा है। ओके, ये इसकी तरह है जैसे मैंने पाँच रुपए किसी को उधार दिए, उसने मुझे वापस तीन दे दिए, तो अभी उसके पास उधारी में कितने बचे? उसके पास माइनस के दो, यानी कि दो उधारी में बचे। तो ऐसा ही इसकी तरह है, मैंने 16 रुपए का, मान लीजिए मैंने 16 रुपए का सामान खरीदा और एक रुपए का मैंने भुगतान कर दिया है, तो मेरे पास कितने बचे अभी उधारी में? मेरे पास बचे माइनस के 15, यानी 15 रुपए अभी और बचे देने के लिए। सो द राइट आंसर इज माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इफ द डिवाइडेंड एंड डिविजर हैव अनलाइक साइंस व्हाट इज द साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। सो द राइट ऑप्शन इज नेगेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 इज वेयर डू वी प्लेस द पॉजिटिव नंबर ऑन ए वर्टिकल नंबर लाइन विथ रेस्पेक्ट टू जीरो। ओके, तो हम देख सकते हैं एक वर्टिकल लाइन। ओके, पार्ट टू में हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने देखा था पार्ट टू में, लेकिन ये है वर्टिकली लाइन, यानी इस प्रकार। ओके,
अब देखिए यहाँ पे होगा हमारा जीरो, यहाँ पे होगा माइनस का वन, यहाँ पे होगा माइनस का टू, ओके, इधर होगा प्लस का वन, इधर होगा प्लस का टू। तो हम देख सकते हैं इसे हम सी लेवल मान लेते हैं, ओके। नीचे बह रहा है पानी और ऊपर है आसमान, ओके। तो या ऊपर आसमान है तो ऊपर कहाँ है, अबव, नीचे या है बिलो, तो अबव होगा आंसर, ओके। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अबव, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 इज 5 and 3 आर टू इंटीजर्स देन, अब हमें बताया है 5 और 2 3, ओके। अब हमें बताना है अप्रोप्रिएट साइन लगाना है हमें, तो आप देखें 5 बड़ा है तो हम साइन इस प्रकार लगाएंगे, तो हम इस साइन को क्या कहेंगे कि 5 greater than 3, ओके, ये हम कहेंगे। तो सो द सी ऑप्शन इज राइट, 5 is greater than 3। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच अमोंगस्ट द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ओके, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए इनमें सबसे पहली बात, जो ब्रैकेट में दे रखा है ब्रैकेट ऑन होगा, और जो माइनस का चीज़ है वो ब्रैकेट हटते ही प्लस का हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वालों को और अनब्रैकेट वालों को एक तरफ सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक है। माइनस का 89 होगा हमारा 89, ओके, माइनस का 89 है, ब्रैकेट नहीं लग रहा है इसलिए माइनस का 89 ही रहेगा। माइनस का 21 है, ब्रैकेट नहीं लग रहा है, वैसा का वैसे ही रहेगा। माइनस का 21 है, ब्रैकेट हटेगा, 21 हो जाएगा, ओके। तो ये हमने देखा, अब इनमें से देखिएगा, इनमें से आप देखेंगे 89 बड़ा है, 89 कैसे बना, ब्रैकेट हटते ही, यानी कि माइनस का 89 जो होगा वो हमारा राइट वन होगा, ओके। तो ये सारे 10 MCQ पार्ट 3 में हमने कवर कर लिए हैं, मैं पार्ट 4 भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।